कौन से करे थे? व्हेन वी विल कीप द थिंग्स, हाइपो, हाइपर एंड आइसो. हाइपो मींस क्या? तीन केसेस करे थे आपने, हाइपो, आइसो एंड हाइपर, राइट. अब हाइपो में क्या हुआ था हमारे पास, क्या रीज़न क्या था कि व्हेन वी विल कीप द सेल, आई एम जस्ट मेकिंग हियर, लाइक क्या होगा इसके केस में, मुझे इसके साथ के तीनों एग्जांपल भी बताओगे. सेल विल स्वेल अप, यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, ये ऑप्शंस में आपको हो सकते हैं, ठीक है. द क्वेश्चन विल कम इन द फॉर्म ऑफ द एमसीक्यू और द उसमें असर्शन रीजन में, तो आपने उसमें ध्यान से हाइपो, हाइपर और आइसो तीनों पढ़ने, ठीक है. आइसो के केस में नो नेट मूवमेंट, ठीक है, नो नेट चेंज, तो जितना है सेल इट विल रिमेन एज इट इज. ये एक केस तो आपने ये कर लिया, इट विल रिमेन एज इट इज, नो चेंज. इसमें अगर हायर से लोअर में जाएगा तो लोअर से हायर, मतलब ये ऑटोमेटिकली बैलेंस करता है. अगर हल्की सी कोई मूवमेंट होती है, जितना पानी दे विल एब्जॉर्ब उतना ही वो छोड़ देंगे, इन केस ऑफ द आइसोटोनिक. एंड इन केस ऑफ द हाइपरटोनिक सेल विल लूज द, दैट मीन्स द श्रिंकेज विल टेक्स प्लेस. विच प्रोसेस दे आर फॉलोइंग, ऑल ऑफ दीज विच प्रोसेस दे आर फॉलोइंग, ऑस्मोसिस. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस? एंड व्हाट वी हैड डन इन केस ऑफ द आरबीसी, विच सोल्यूशन वी विल टेक इन द आरबीसी? मैंने एक सोल्यूशन का नेम लिखवाया था जहां पे आइसोटोनिक सोल्यूशन द सेल्स विल रिमेन सेम, रिंगर सोल्यूशन. विच सोल्यूशन इज देयर इन केस ऑफ द आरबीसी? आरबीसी में अगर हमारे जो है हाइपो में सेल्स स्वेल होते हैं वैसे ही है, हाइपर में श्रिंक होते हैं, बट इन केस ऑफ द रिंगर सोल्यूशन दे विल रिमेन द सेम, आइसोटोनिक रिंगर सोल्यूशन में, ठीक है. और एक एग्जांपल, और एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं हम इसमें, रेजिन्स, व्हाट, ठीक है, रेजिन्स का भी सेम. व्हेन यू आर पुटिंग द रेजिन्स इन द वॉटर इट विल स्वेल्स अप. मोस्ट प्रोबेबली ऑल ऑफ यू हैड सीन कि व्हेन वी यूज टू मेक द हलवा एंड ऑल दैट, तो हम उसमें रेजिन्स डालते तो पहले उसको सोक करते हैं वाटर में, इट स्वेल्स अप, ठीक है. तो ये हमारे तीनों केसेस हो सकते हैं. एग्स का ले सकते हैं, उसकी शेल ही बाहर से अगर वो हाइपर हो गया, अगर उसके बाहर का सोल्यूशन ज्यादा हो गया, मतलब सॉल्ट सोल्यूशन ज्यादा है, तो उसकी ऊपर वाली जो शेल है दैट विल रिमूव, ठीक है. और इसके आगे वाले चलो कर लो. व्हाट इज द सेल वॉल? सेल वॉल क्या है, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं. सेल वॉल वेयर इट इज प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट इन ओनली इन केस ऑफ द प्लांट्स. व्हाई इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स? टू विदस्टैंड विद द एक्सट्रीम कंडीशन. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल? मेड अप ऑफ, और मल्टीलेयर होती है, सिंगल होती है? मल्टीलेयर विद सम केमिकल्स. कौन से केमिकल्स के साथ होते हैं? अदर केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट ओवर हेयर, लिग्निन, सुब्रेन एंड चिटिन, क्यूटिन, ठीक है. देन साइटोप्लाज्म आपने करा था, दैट इज द फ्लूइडी मटेरियल, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट है. बट इज द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनेल्स दे आर प्रेजेंट इन इट, दे अकोमोडेट, मतलब ऑल द ऑर्गेनेल्स अकोमोडेट इन द साइटोप्लाज्म. बट इज साइक्लोसिस, एक टर्म मैंने तब भी बताई थी, साइक्लोसिस, मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस, ठीक है. मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक क्लोसेस. देन सेल ऑर्गेनेली, जिसमें आपने सबसे पहले कह रहा थी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं, दीज आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट. फर्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. उसके मेन फीचर आपको लर्न करने के लिए कहे थे, आई टोल्ड यू टू मेक द स्टार ओवर देयर. नंबर वन, इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड
राइबोसोम, ठीक है, ऑन डीएनए, मतलब ये खुद ही अपने आप को कर सकता है, बना सकता है, इट हैज इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम डबल मेम्ब्रेन, इट इज द डबल मेम्ब्रेन, ये भी पॉइंट पक्का लिखवाया होगा मैंने, लिखा हुआ है बुक में होगा, डबल मेम्ब्रेन है ये, सारे डबल मेम्ब्रेन नहीं है, जस्ट चेक इट आउट, दैट इज नॉट हाईलाइटेड, दैट टेल प्लीज, टेल ओनली दोज विच आर नॉट हाईलाइटेड, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, सारी लेयर्स मतलब जितने ऑर्गेनाइज है वो सारे डबल मेम्ब्रेन नहीं होते, ठीक है, दिस इज डबल मेम्ब्रेन, इसकी अब जब हमने बनाई भी थी तो मैंने डबल मेम्ब्रेन बनाई थी, ठीक है, इट हैज इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, दिस इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, व्हाट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, देन हमारे पास है, दिस इज एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी करेंसी, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया ये, इट हैज इट्स ऑन डीएनए, इट ऑन राइबोसोम, इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं दीज आर हैविंग द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टे, और क्या करा था बस ये इसके बारे में पहले, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके वो मैंने आपको वैसे भी बता दिया हुआ, ठीक है, क्या क्या फोल्डेड इनवर्ड, दो मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन इज इनवर्टेड, लाइक वो अंदर की तरफ फिंगर्स लाइक उसकी वो प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टे, सरफेस एरिया, जितने भी जहां पे भी रफ सरफेस होगा दैट विल प्रोवाइड द या इंक्रीज द सरफेस एरिया, देन ठीक है, प्लास्टिड्स दैट आर ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ द प्लांट्स ओनली, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लास्टिड्स दैट यू हैड डन, ल्यूको क्लोरो क्रोमो, ठीक है, व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट, दैट प्रोवाइड कलर टू द फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स, ये करा था, देन क्या कहते हैं, नॉन ग्रीन पिगमेंट है ये, क्रोमो इज द नॉन ग्रीन पिगमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड द कलर टू द फ्रूट्स एंड द फ्लावर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, दैट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, देन तीसरा कौन सा कलर है, ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर कलरलेस बट इज अ, ठीक है, फैट्स ऑयल्स प्रोटीन्स को सबको स्टोर करता है, ल्यूकोप्लास्ट ही बोला, क्रोमो इज द नॉन ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, पिगमेंट तो है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कलर्स बट नॉन ग्रीन बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग कलर टू द फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स, ठीक है, देन स्ट्रक्चर याद है ना इसकी हमने करी थी, बुक में तो नहीं है, इट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, देन फंक्शन वो स्ट्रक्चर में आपको बता दिए थे, इसका भी था डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है, इसके भी थे, देन वो हो गया थायलाकॉइड्स हो गया, और थायलाकॉइड्स हो गया वो तो हेल्प्स इन टू ट्रैप द सनलाइट, और फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, अट्रैक्ट एनिमल्स हो गया ना कलर्स की वजह से, अगर ग्रीन कलर रेड कलर के फ्लावर्स होंगे दे विल अट्रैक्ट, ठीक है, देन एंड ऑफ मटेरियल वो तो हमने कर ही लिया उसमें अभी बोला ल्यूको के बाद, चलो एनी हाउ प्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स, अच्छा कौन से है ऑर्गेनली दैट इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ द प्लांट्स, अभी करे प्लास्टिड एंड सेल वॉल, ठीक है, थर्ड मेन डिफरेंस लार्ज वैक्यूल, ठीक है जी, उधर कौन सी ऑर्गेनली दैट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, सेंट्रोसोम ओनली, कई बार आप लाइसोसोम लिख देते हो बिकॉज समवेयर इन नेट दे आर शोइंग बट लाइसोसोम आर टोटली नॉट एब्सेंट इन द एनिमल सेल, ठीक है, नेट पे व्हेन वी आर सर्चिंग तो वो हमें दो दे देता है बट इट इज प्रेजेंट, ठीक है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, टिब्यूल्स वेसिकल्स टू टाइप्स आर देयर, एससीआर एंड आरईआर, SCR is smooth endoplasmic reticulum, RER, अगर आपको आ जाए कि which one is the devoid of ribosome, devoid,
डी वॉइड ऑफ राइबोसोम, मतलब राइबोसोम्स के बिना, तो एससीआर नहीं होना, तभी मैंने वर्ड बोल दिया ना कि डिवॉइड वर्ड भी लिखा हो कि डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, तो हमारे पास कौन सा है, एससीआर, ठीक है, ये वर्ड भी यूज करते हैं कई जगह पे, तो डिवॉइड ऑफ राइबोसोम वहां पे प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम, एससीआर हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स एंड वेयर एज द आरईआर जो है लिखे हुए हैं पुत्र सारे, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम, देन दे प्रोवाइड, एससीआर प्रोवाइड वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स ऑफ ट्यूब्यूल्स, और वो कैसे फॉर्म्ड होती है भाई, फैट सैक्स एंड ट्यूब्यूल्स, टेम्परेरी पैकेजिंग कह लो, ठीक है, आरईआर से राइबोसोम्स किससे बना है, सैक एंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, देन गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट, कैमिलियो गोल्गी इन 1898, कैमिलियो गोल्गी इन 1898, गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस भी लिखा होता है, ठीक है, व्हाट इज द अदर नेम या व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज, पैकेजिंग एंड स्टोर हाउस ऑफ द सेल, वेरी गुड, प्रेजेंट इन कहां है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूकेरियोट्स, व्हाट कम्स अंडर यूकेरियोट्स, व्हाट कम्स अंडर यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में प्रोक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हो गया, लेकिन व्हाट कम्स अंडर प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ आर यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स अदर बैक्टीरिया, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, जो गोल्गी बॉडीज है दीज आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी इन मैमल्स एंड स्पर्म्स, दो ऐसी जगह है जहां पे ये गोल्गी बॉडीज विल नॉट प्रेजेंट, दैट इज द आरबीसी इन मैमल्स एंड द स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्म्स इज ऑल्सो फ्रॉम द मैमल्स ओनली मेल, ठीक है, देन एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स, दीज आर एब्सेंट, गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, क्या राइबोसोम्स होते हैं उसके अंदर, ओनली राइबोसोम्स बी मेड इन दैट केस, बाकी कोई भी हमारी ऐसी नहीं थी जो उसके अंदर है प्रॉपर, दैट इज सो एब्सेंट, हाँ वो आपके हायर लेवल के, दैट वी विल नॉट डिस्कस इन दिस, क्लियर, इतने टफ क्वेश्चन पे मत जाओ, बट एवर इज गिवन ओनली इन एनसीईआरटी, फोकस ऑन दैट, ठीक है, डायग्राम, डायग्राम एनी डायग्राम विल कम, प्रोकैरियोट का डायग्राम भी आ सकता है, लेबलिंग शुड बी गिवन, और लेबलिंग मतलब नहीं भी होगी, यू हैव टू आइडेंटिफाई ए बी सी डी कि उसमें कौन कौन से डायग्राम, प्लीज एंड प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट फॉलो अदर डायग्राम, प्लीज इवन एनसीईआरटी के भी मत करो, ओनली डायग्राम्स दैट वी हैड डिस्कस्ड, ओनली दैट विल कम, ठीक है, डोंट क्रिएट कंफ्यूजन, बिकॉज जब आप ट्यूशन टीचर्स के करो और फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो हम डिफरेंट डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, तो डू ओनली दोज वन, ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास और कौन सा है, नहीं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल, एक दूसरे के ऊपर स्टैक लाइक होती है, पैरेलल होते हैं, ठीक है, वो हमने पहले उसका बता दिया, पैकेजिंग एंड स्टोर हाउस ऑफ द सेल, देन लाइसोसोम्स, नहीं लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग, ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसोसोम्स, स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, किस लिए होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट बाय कौन सी, इंटर और इंट्रा, विच डाइजेशन, इंटर सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, इंट्रा, इंट्रा मीन्स अंदर, इंटर मीन्स बाहर, उल्टा चलता है, इंट्रा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन लिखवाया था मैंने, लिखवाया है पक्का, हाँ हाँ पता नहीं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल अंदर, ठीक है, एंजाइम्स जो है दीज आर मेड अप ऑफ द आरईआर, ठीक है, आरईआर के होते हैं, व्हेन देयर इज अ डिस्टरबेंस इन द सेल, तो ये क्या करते हैं, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इफ एनी डिस्टरबेंस, लाइक कोई वॉर्न आउट हो गया,
या सेल्स गेट्स डैमेज हो गए, कोई कुछ भी अटैक होगा, देन दे विल ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे. ठीक है, दैट आर एनगल्फ बाय दिस. ठीक है, फंक्शन क्या हो गए, डाइजेशन, रिमूव द यूजफुल, डिस्पोजल ऑफ. ठीक है, और कई बार लाइसोजोम आपके जब स्टार्वेशन होती है, जब बहुत भूख लगती है, तो दे डाइजेस्ट द स्टोर फूड ऑल्सो. ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड्स को, एंड प्रोवाइड एनर्जी. दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे एक वर्ड लिखवाया था जो मैंने शायद एमसीक्यू में मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी पूछा, ऑटोफैगी. ऑटो मीन्स सेल्फ. ठीक है, फैगो, फैगोसाइटोसिस, एनगल्फ करना. ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ. देन देयर आर वैक्यूल्स. ठीक है, वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती है, सैक्स होते हैं. ठीक है, दीज आर स्मॉल इन साइज बट लार्ज इन ओनली इन केस ऑफ द प्लांट सेल. कितनी तक, मोर इन नंबर एनिमल सेल में, लार्ज इन प्लांट सेल. दोनों में डिफरेंस हो गया ना, लार्ज प्लांट में होता है लेकिन ज्यादा नंबर इन एनिमल सेल. ठीक है, कितने टाइप के करे थे, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल. बट इज द मेन फंक्शन ऑफ सैप वैक्यूल, प्लांट सेल में हम सैप वैक्यूल बनाते हैं, बट इज द मीनिंग, दीज आर द फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल, क्योंकि एक्टिविटीज को बैलेंस करना है. देन वो रहने दो, इट्स नॉट गिवन इन योर बुक. टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं. जो टोनोप्लास्ट की बात कर रहे हैं ना हम, वो रहने दो आप, नो डाउट लिखा रहने दो, अगर मतलब पढ़ लो, इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी एक्चुअली. टोनो, एक मिनट सर, टोनोप्लास्ट वर्ड आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं गिवन. कौन कह रहा है श्योर? ठीक है भाई, फिर लर्न रख लेना. टोनोप्लास्ट दैट मीन्स द सैक बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है उसकी, उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. Where it is, can you please tell? But NCERT. I don't think so. I had not read about the tonoplast. I don't think. नहीं है ये, मैंने लिखवाया था but it's not given in the NCERT. ठीक है, then नाम नहीं है, I know, मैं वैसे एक function बता रही हूँ. ठीक है, उसको प्रोवाइड करना है रिजिडनेस, उसको एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना है ताकि वो एकदम से ब्रेक या टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए. टर्जिडिटी, उसमें मॉइस्चर मेंटेन रखना. देन न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड द, कोई ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता? यस मैम, सम सेल्स लैक न्यूक्लियाई एट देयर इनिशियल स्टेज, सॉरी एट देयर मैच्योरिटी, दैट इज आरबीसी. आरबीसी में मैच्योर होने पे न्यूक्लियाई नहीं होता. ठीक है, ओके. देन न्यूक्लियस इज कॉल्ड द, अदर नेम ऑफ न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल. ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है. न्यूक्लियस इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि आपने बनाई थी, आपको याद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर यू मेड दैट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो डबल मेम्ब्रेन है ये. ठीक है, उसमें हमारे पास मेन क्या क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, मेन मेन न्यूक्लियोलस. ठीक है, सेंटर पार्ट न्यूक्लियस के अंदर देयर इज अ सेंटर पार्ट दैट इज अ न्यूक्लियोलस. क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट और न्यूक्लियोप्लाज्म. फ्लूइड, फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, फ्लूइड ऑफ द, फ्लूइड ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड, फ्लूइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड. क्रोमोसोम्स किसमें रिच होते हैं? डीएनए एंड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबो. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस? सेल डिवीजन एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू द अदर, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. ठीक है, इन योर एनसीईआरटी माइटोसिस एंड मियोसिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू बुक. पुरानी बुक्स में माइटोसिस वर्ड नहीं है, मियोसिस भी नहीं है, बट नाउ दिस टाइम दे इंट्रोड्यूस द टर्म माइटोसिस एंड मियोसिस ऑल्सो. उसमें सिर्फ इतना कुछ बुक्स में गिवन है, लास्ट टॉपिक इन न्यू बुक्स, स्पेशली न्यू बुक्स, उनमें माइटोसिस एंड मियोसिस गिवन है. इतना याद कर लो माइटोसिस को क्या कहते हैं और मियोसिस को क्या कहते हैं. ठीक है, माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल डिवीजन.
मतलब माइटोसिस में ना ये होता है। अगर हमारे पास एक है ना, ये आगे इक्वेटोरियल इक्वल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और मियोसिस में रिडक्शनल होती है लाइक दिस। ये मियोसिस, ये माइटोसिस। इक्वेटोरियल मतलब इक्वल रहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन इसको बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, ये रिड्यूस होता है, ये आगे फिर ऐसे डिवाइड हो जाता है। रिडक्शनल रिड्यूस हो जाना, ठीक है, माइटोसिस इज इक्वेटोरियल, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस आपको पता ही है, कोई अगर क्वेश्चन किसी हिसाब से आ जाए तो यू कैन राइट डाउन। उसमें मैंने आपको प्लांट सेल में हम लोगों ने एक एक्टिविटी, ऑल दो टू एक्टिविटीज आर गिवन इन योर बुक ऑल्सो एंड इन द प्रैक्टिकल फाइल्स ऑल्सो, ठीक है, एक ऑनियन की और एक ह्यूमन चीक सेल, ठीक है, बट वी ऑलरेडी हैड डिस्कस ओनली वन एक्टिविटी, तो क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑल्सो, ठीक है। इन फ्रॉम द एक्टिविटी वी कैन आस्क यू मटेरियल, वी कैन आस्क यू द बट इन माउंटिंग प्रिकॉशंस, ठीक है, जंबल फॉर्म में यू हैव टू रीअरेंज, ठीक है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज नॉट डन इन केस ऑफ द माउंटिंग, विच इज डन इन केस ऑफ माउंटिंग, वट इज माउंटिंग, माउंटिंग है क्या, माउंटिंग का मतलब प्लेसिंग ऑफ द सैंपल और द स्पेसिमन ऑन अ ग्लास स्लाइड, ठीक है जी।